जय हिंद। सबसे पहले अपने देश के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि काश मेरी जिंदगी में भी वो शाम आए, काश मेरी जिंदगी में भी वो शाम आए, मेरी भी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जीने की, न खौफ है मौत का, न आरजू है जीने की, लेकिन जब जिक्र हो शहीदों का तो उसमें भी मेरा नाम आए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि कोरोना का अभी बहुत बड़ा महामारी हमारे देश में, दूसरा पैंडेमिक चल रहा है। देश अभी पहले सिचुएशन से गुजरा भी नहीं था, निकला भी नहीं था कि दूसरा दौर आ गया। इसमें हर बिजनेसमैन, हर मिडिल क्लास आदमी मारा जा रहा है, हर स्टूडेंट जिसके पढ़ाई के ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बीमारी पूरी की पूरी देश की आम जनता से लेकर हर किसी को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। दोस्तों, अगर कई सारे स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाने के लिए बार बार सोच रही है तो उसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना का एक दौर अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था और दूसरा दौर आ गया है। जहां पिछले दौर में कई सारे बिजनेस लॉस में चल रहे हैं, कई सारे लोगों के जॉब छिन गए, स्टूडेंट्स को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई उनके पढ़ाई से रिगार्डिंग, जहां वो फ्रीडमली पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ाई करते थे, आज वही स्टूडेंट्स को घर में अकेला रह के पढ़, जहां एक बोरिंग वाली समस्या हो जाती है। चूंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो वो एक अलग ही सिचुएशन हो जाता है पढ़ाई करने का, जो एक खुले माहौल में जो पढ़ाई करने की आजादी रहती है और एक घर में बंद कमरे में बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाता है। दूसरा चीज, बहुत सारे इंटरनेट वगैरह के इशू, कई सारे प्रॉब्लम रिगार्डिंग, कई सारे लोगों के पास जो मिडिल क्लास लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास फोन की समस्या है, तो बहुत सारी समस्याएं होती है। कई सारे लोग जो मिडिल क्लास जॉब करते थे उनकी जॉब छिन गई है, जहां कंपनी में 10 वर्कर्स काम करते थे वहां आज 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। सोचिए उस 5 वर्कर्स की फैमिली की आज कंडीशन क्या होगी, कैसे उनका परिवार चल रहा होगा, क्या वो खाते होंगे। कई सारे ऐसे छोटे मोटे बिजनेस जो कि पूरी तरह से लॉस में जा चुकी है, अगर गवर्नमेंट अगर लॉकडाउन लगाने के लिए बार बार सोच रही है तो उसका रीजन यही है। वैसे तो बहुत सारे स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट शायद इन्हीं समस्याओं को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की आगे जो है पूरी प्रक्रिया, मतलब संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए सोच रही है। होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास आदमी और आम आदमी मारा जा रहा है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, कई सारे धंधे लॉस में चले जा रहे हैं। मतलब लोगों की ये स्थिति है कि कोरोना से तो बाद में मरेंगे और भूख से पहले मर जाएंगे। सबसे पहले मैं सैल्यूट करूंगा अपने देश के उन डॉक्टर्स को, उन पुलिस को, उन फोर्सेस को, जो इस पैंडेमिक, इस महामारी में भी बिना अपने जान की चिंता किए हुए, बिना अपने परिवार की चिंता किए हुए हम लोगों के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इस सिचुएशन में भी हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन कभी वैक्सीन पे तो कभी कोरोना पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या ये उनको शोभा देता है? जहां एक तरफ पब्लिक, जहां एक तरफ आम आदमी भूखे मर रहा है, जहां स्टूडेंट्स की ये समस्या है, वहां कोरोना पे और वैक्सीन पे पॉलिटिक्स होना क्या ये शोभा देता है? उस फैमिली से पूछो जिसका बाप रोज कमा कर लाता था और उसके बच्चे डेली घर में खाते थे। उस जॉब करने वाले मिडिल क्लास लड़के से पूछो जिसके ऊपर उसकी फैमिली आधारित है, वो कितना खुश था जॉब करने से। उस स्टूडेंट से पूछो जिसका भविष्य आज अंधेरे में है, कहीं ना कहीं इस बीमारी के कारण वो ये सोचता है कि उसके भविष्य का क्या होगा आगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहे हैं। आप उस बिजनेसमैन, उस छोटे मोटे धंधे वाले से पूछो जो डेली का डेली कमाकर घर पे खाते थे, आज उनसे पूछो जाके कि आज वो क्या खाते हैं। और फिर भी हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन, हमारे देश के कुछ नेता आज इस सिचुएशन को देखते हुए, ना लोगों की समस्या को देखते हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अरे अगर बीमारी इतनी है तो सबका दायित्व बनता है कि एक दूसरे का साथ लेकर, पूरे देश का साथ लेकर इस बीमारी से निकला जाए। जहां देश की जनता सहयोग कर रही है तो वहां ये भी होना चाहिए कि चाहे वो सत्ता में बैठी पार्टी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी हो, एक दूसरे का साथ देकर सबसे पहले इस बीमारी से लड़ा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि कभी वैक्सीन की कमी है, कभी इतना वैक्सीन लग गया है, कभी ये है, कभी वो है। जो एक सिचुएशन है, जो एक देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो हमारा सबसे पहला दायित्व बनता है कि लोगों के पास कितना अधिक से अधिक जो वैक्सीन है वो पहुंचाया जाए, कितना अधिक से अधिक वैक्सीन को लोगों तक पहुंचा के और इस समस्या से निकला जाए, ना कि ये बताया जाए कि वैक्सीन की कमी है या वैक्सीन ये हो गया, वैक्सीन वो हो गया। दोनों, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष, सबको मिलकर सबसे पहले ये करना चाहिए कि लोगों की जो समस्या है, जो वैक्सीन से रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड जो आम आदमी की एक समस्या है, सबसे पहले इसको कैसे दूर किया जाए। राजनीति हम अगर जिंदा रहेंगे तो बाद में भी कर लेंगे, अगर ये आप देखा जाए कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा मेरा मानना है कि नेशन फर्स्ट होना चाहिए, किसी भी पार्टी से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, हमारे देश की जनता होनी चाहिए, हमारे देश के लोग होने चाहिए। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह आपका आशीर्वाद और प्यार दीजिए ताकि मैं आप लोगों के बीच इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं।
जय हिंद, वंदे मातरम।